हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था AHN सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ेंगे, आपको कौन से पॉइंट्स को ध्यान रखना, आपको कैसे स्टडी करना कि आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अच्छे से जाए। बट उस वीडियो में और स्टूडेंट्स के डाउट थे माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट और इन्फेक्शन कंट्रोल सब्जेक्ट से। अगर मैं बात करूँ, ये कंपेरिजन अगर मैं करूँ AHN सब्जेक्ट से, ये दोनों आपके ईजी हैं। AHN सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत है और आपको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना होगा, और साथ ही साथ आप उसमें बी स्पेसिफिक लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि AHN एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेशन पूछी गई है अस्थमा की, तो आप वही डेफिनेशन अस्थमा की बताएंगे जो एग्जैक्ट आपको बुक में दे रखी है। आप अपनी तरफ से उसमें क्या एड ऑन करेंगे डेफिनेशन में। अगर बात आई मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में जो पॉइंट्स बुक में मेंशन कर रखे हैं वही आप मेंशन करेंगे। बट अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट आपके माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल में, आप खुद से बहुत सारे पॉइंट एड ऑन कर सकते हैं। आपने फर्स्ट सेम में साइकोलॉजी सोशियोलॉजी पढ़ी, सेकंड सेम में आपने फाउंडेशन पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा, तो आपने ध्यान दिया होगा अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, तो उसके बाद के टॉपिक्स के पॉइंट में आप खुद से लिख देते हैं। तो सेम एज आप इन्फेक्शन कंट्रोल और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में ऐसा कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वैसे हमारा माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट कम्प्लीट हो गया, प्लेलिस्ट रेडी है माइक्रोबायोलॉजी के, आप देख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में टोटल आपके 4 यूनिट हैं। माइक्रोबायोलॉजी का एग्ज़ाम और इन्फेक्शन कंट्रोल का एग्ज़ाम आपका एक दिन होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी करके होगा। सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन आएगा माइक्रोबायोलॉजी का, सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन आएगा इन्फेक्शन कंट्रोल का। मैं आपको क्वेश्चन पेपर इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको एकदम कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, जो डाउट रहता है ना कि हमारा क्वेश्चन पेपर अलग अलग होगा, कॉपी अलग अलग होगी, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपने फर्स्ट सेम में एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक दिन दी थी, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एक दिन दी थी, सेकेंड सेम में आपने फाउंडेशन का एग्ज़ाम बिल्कुल अलग दिया था और न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री का साथ में था, तो सेम एज जो आपके साथ के एग्ज़ाम होंगे ना, वो आपका इन्फेक्शन कंट्रोल और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के होंगे। सेक्शन ए सेक्शन बी डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए आपका माइक्रोबायोलॉजी रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी आपकी 37 मार्क्स की आएगी और जो आपका इन्फेक्शन कंट्रोल है वो आपका 38 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन अगर मैं बता दूँ तो आपका माइक्रोबायोलॉजी का एक क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा 10 मार्क्स में, फिर 3 आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे जो आपके होंगे 5 मार्क्स के, फिर आपके वेरी शॉर्ट्स आएंगे 3 जो आपके होंगे 2 नंबर के। आफ्टर दैट आपके MCQ आएंगे, MCQ नॉर्मली आपके 6 रहेंगे। ये है आपका माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, मैंने शेयर करा है टेलीग्राम चैनल पे। तो बताया है बहुत सारे स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल नहीं चलाते हैं, तभी मैं क्वेश्चन पेपर की एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो शेयर कर दूंगी। आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व ज़रूर करिएगा जिससे आपको प्रैक्टिस और आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं हमारे सेक्शन बी पार्ट। सेक्शन बी पार्ट आपका इन्फेक्शन कंट्रोल का रहेगा, सेम एज इसमें भी आपका एक लॉन्ग आता है 10 नंबर का, फिर शॉर्ट नोट आएंगे आपके 3 5 5 नंबर के, फिर शॉर्ट आंसर्स आएंगे आपके 3 2 2 नंबर के, फिर आपको MCQ मिलेंगे, आपके टोटल MCQ 7 रहेंगे और ये आपका 38 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करा है, आप जाके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको ऐसे कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। अगर मैं बात करूँ, आपने अभी भी नहीं स्टार्ट करा अपना थर्ड सेम स्टडी और आपने अभी तक माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल को एक भी यूनिट नहीं पढ़ा है, तब भी आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अच्छे से कर सकते हैं। अगर मैं एक बात बोलूँ तो थोड़ी अजीब लगेगी, बट आप माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं 1 वीक में। अगर जो स्टूडेंट्स बहुत शार्प माइंडेड है वो 4 to 5 days में कंप्लीट कर सकते हैं। जो आपका इन्फेक्शन कंट्रोल सब्जेक्ट है वो आपका 15 days में कंप्लीट हो जाएगा, और जो आपका AHN है उसमें नॉर्मली आपको 15 to 20 days लगेंगे। बट आप तो ये सारी चीज़ आपकी विद इन ऑफ मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। बट इससे इस स्टडी से आपका क्या बेनिफिट होगा, कुछ नहीं। आप एग्ज़ाम के बाद सारी चीज़ें भूल जाओगे। बट अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज़ स्टडी करोगे और उसकी प्रैक्टिस रिवीजन करोगे तो आप ना एग्ज़ाम टाइम में भूलोगे और आपका एग्ज़ाम और अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब डेली बैठते हो ना पढ़ने के लिए तो उतना आपका माइंड शार्प होता है, आपकी प्रैक्टिस होती है, साथ ही साथ एक कंसिस्टेंसी बनती है। कंसिस्टेंसी बनाना बहुत मुश्किल है। ये बात इसलिए है क्योंकि अगर आप एक हफ्ते नहीं पढ़ोगे तो दोबारा पढ़ने बैठोगे बहुत मुश्किल है बैठ पाना, बहुत मुश्किल है पढ़ पाना। और अगर आप वही एक हफ्ते डेली पढ़ोगे और फिर नेक्स्ट वीक के पढ़ने बैठोगे, फिर आपका एक शेड्यूल रहेगा, एक ईजी वे रहेगा, आप खुद से बैठोगे पढ़ोगे। तो एक शेड्यूल आपको करना पड़ेगा फ्रेम और अच्छे से स्टडी करने के लिए। साथ ही साथ आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस इसीलिए
क्योंकि अब जैसे कि ठाकुर बुक है, तो ठाकुर बुक मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक आपका सिलेबस वाइज दे रखा होता है, तो ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जो टॉपिक आपकी बुक में मेंशन आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट बुक प्रेफर करते होंगे, तो सबसे पहले आपको ऐसी बुक प्रेफर करनी है जो INC सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। अगर नहीं है तो आपको अपना सिलेबस लेना है, फिर अपने बुक में मार्क करना है, उस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। सिलेबस से ज़्यादा पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, सिलेबस का पढ़िए, उसी को अच्छे से कवर अप करिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। आपको नोट्स शॉर्ट नोट्स टाइप के प्रिपेयर करने हैं। अब ऐसा क्यों, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ जो माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल सब्जेक्ट का एग्जाम एक दिन होगा, तो दोनों को आपको अच्छे से पढ़ने का और रिविजन करने का समय चाहिए होगा। अगर आपके पास लॉन्ग नोट्स होंगे और आपने बहुत भर भर के बुक ही को पूरा छाप दिया कॉपी में, तो आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए आपके पास बुक होगी, बुक में आप पॉइंट हाईलाइट करते होगे, अलग से पेजेस रखते होगे, कुछ इस तरीके से बहुत सारे पेजेस जैसे मैं रखते हूँ वो भी आप रखते होगे, स्टिकी नोट्स करते होगे, मार्क करते होगे। आफ्टर दैट उसके भी आप एक रिविजन करने के लिए नोटबुक बनाओ जिसमें आप पॉइंट्स लिखो, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स दिए, कॉच पोस्टुलेट्स क्या है, रॉबर्ट कॉच क्या है, तो ये सारे पॉइंट्स को आप उसमें मेंशन करें। मेंशन करने के बाद में फिर उसका रिविजन करें। अब आपको डेली रिविजन करना होगा। अब ये डेली रिविजन ट्रिक क्या है, मेरा सिंपल सम मीनिंग है, अगर आज आपने एक पेज पढ़ा तो नेक्स्ट डे जाने से पहले उस पेज को आपको रिवाइज करना है, फिर आप उस नेक्स्ट पेज को पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थर्ड डे पे गए तो पहले आप इन दोनों पेज को रिवाइज करेंगे, फिर आप थर्ड पेज पढ़ेंगे। सेम इसी तरीके से आपको स्टडी करना है। और जो मैं शॉर्ट नोट्स के लिए कहती हूँ या डायग्राम के लिए कहती हूँ, तो आप एक पेज पे इस तरीके से डायग्राम प्रिपेयर करके अपने पास रख सकते हैं, जिससे आप जितनी बार आप उनको देखोगे उतनी बार आपकी लेबलिंग कंप्लीट होगी। साथ ही साथ कुछ शॉर्ट नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कॉच पोस्टुलेट्स इस तरीके से लिख के रखे हैं मैंने डिफरेंस लिख के रखा था प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में, क्योंकि वेरी शॉर्ट में अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया तो कभी एग्जाम में एकदम से नहीं याद आएगा मुझे कि मैं क्या लिखूं। ऑफकोर्स ये बात है, मैं शार्प माइंडेड स्टूडेंट नहीं हूं, तो मैं एकदम से नहीं लिख पाऊंगी, इसीलिए मैंने इसको लिख के रखा था कि जब मैं इस यूनिट को पढ़ूँ उतने टाइम इसको रिवाइज करूँ, आफ्टर दैट मैं लिखूँ। तो वो चीज़ जो मैंने फॉलो करी, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि रिविजन के साथ आपको आगे बढ़ना है। यूनिट में आपको पढ़ना कैसे है, जो आपके सिलेबस वाइज है उसको आपको पढ़ना है। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, आपको लेक्चर वीडियोस की हेल्प लेनी है, मेरे लेक्चर्स वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे, बुक PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। फिर भी आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। साथ ही साथ आप यूज़ कर सकते हैं अदर सोर्सेज का, अब जैसे कि ChatGPT गूगल, तो ये ChatGPT गूगल हमारे लिए ही तो है। अब आप इसका यूटिलाइज जैसे करेंगे ये वैसे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप जितना ChatGPT को यूज़ करोगे उतना आपके इन्फॉर्मेशन और क्लेरिफाई होगी और इजी होगी। मैं ChatGPT के लिए इसलिए कहती हूँ कि ChatGPT बहुत ही बेस्ट रिसोर्स है एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए, क्योंकि अगर उसमें हम कुछ भी आंसर डाल दें ना, वो बहुत ही स्पेसिफिकली आपको मिल जाता है। अगर आप उससे वेरी शॉर्ट करें तो बहुत अच्छी बात है, शॉर्ट प्रिपेयर करें तो बहुत अच्छी बात है, लॉन्ग मत प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि लॉन्ग के लिए उसके जो नोट्स होते हैं वो कम रहते हैं। लॉन्ग कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर करिएगा अपने बुक से करिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। और आपका कोई भी डाउट हो सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट AHN है, और AHN वैसे लगता है डिफिकल्ट बट इतना नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन कंट्रोल आई नो आप अच्छे से करोगे। माइक्रोबायोलॉजी में आपकी 4 यूनिट है, तो जो आपकी यूनिट 3 और यूनिट 2 है वो आपकी डिफिकल्ट है, उसमें भी आपकी यूनिट 3 पैथोजेनिक थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसको भी मैंने बहुत ही सिंपल वे में करा था, आप उसको देख लीजिए, आप एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट की, तो उस सब्जेक्ट में आपके बहुत सारे टॉपिक्स तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग बुक से मैच करते हैं, तो उसमें से वो सिर्फ आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। आप थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो इन्फेक्शन आपका ईजी लगेगा। अगर आप ये सोच के पढ़ोगे ये टफ है ये हमसे नहीं होगा, तो ऑफकोर्स ये बात है ये आपसे नहीं होगा, ये आपके लिए टफ है। अगर आप ये सोच के करोगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे एक यूनिट कंप्लीट करनी है या एक पेज कंप्लीट करना है, तो मुझे करना है का मतलब क्या होता है, आपके अंदर उतना डेडिकेशन आ गया है, फिर जब आप बैठोगे तो उस माइंडसेट के साथ बैठोगे। अगर आप उसको ये बैठोगे सोच के कि बहुत डिफिकल्ट है मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ऑफकोर्स ये बात है ये आपसे नहीं होगा। फिर अपने आप को मोटिवेट रखिए, स्टडी करते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे से स्टडी करिए,
प्रैक्टिस करते रहिए कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कौन सा आप डायग्राम बना सकते हैं, कैसे आप पेज भर सकते हैं, कैसे सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, तो इन सब की प्रैक्टिस आप अभी से करिए। अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाएंगे, या तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा या तो फिर आपकी बैक लग सकती है। अगर आप बैक एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं तो बेटर है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बैक एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है, सप्ली एग्ज़ाम का मतलब क्या होता है कि आप उस सब्जेक्ट या फिर आप पूरे सेम में भी हो सकते हो या स्पेसिफिक सब्जेक्ट में फेल हो, आपका उसका दोबारा से एग्ज़ाम होगा, मतलब कि आपको फिर से दोबारा मौका दिया जा रहा है कि आप भाई इसको पास कर लो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर आप इसको तब नहीं पास कर पाओगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है। बट जिन स्टूडेंट्स की सप्ली लगती है वो ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा एजुकेशन एक्वायर करने के बाद जाते हैं सप्ली एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उनके अंदर वो डर बैठ जाता है सप्ली एग्ज़ाम में फिर से रजिस्ट्रेशन फ़ीस दो, फिर से वो एग्ज़ाम का सर दर्द। आप एक नेक्स्ट सेम तो कर ही रहे हो, साथ में जो भी आपका पिछले सेम का बैक है उसको भी लेके चल रहे हो, तो इससे बेटर है जो सेम के सब्जेक्ट है उस सेम में ख़त्म करिए और अच्छे से आगे पढ़िए। अगर आपको रैंक एक्वायर करनी है तो आपको हार्डवर्क भी उनसे ज़्यादा करना पड़ेगा। मेरी वीडियो में मिली मैंने वो सब डिस्कस करा माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन सब्जेक्ट को ईजी बनाने के लिए जो आप फॉलो कर सकते हैं। अब मैंने स्पेशली ये नहीं कहा कि आप माइक्रो को 4 घंटे दीजिए, इन्फेक्शन को 5 घंटे दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट बुक से पढ़िए, ज़्यादा ज़्यादा पढ़िए। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ सिंपल सा है कि आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करना है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इन सारी टिप और ट्रिक्स के साथ आपका अच्छे से हो जाएगा, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट सेम से तो आपको आइडिया होगा कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का पेपर उसे अकॉर्डिंग ही रहता है जैसे हम आपके साथ शेयर करते हैं, जैसे हम आपके साथ इंपॉर्टेंट शेयर करते हैं। जो भी मैंने आपके साथ टिप्स शेयर करी होंगी यूनिवर्सिटी एग्जाम की वो सब आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी, तो आपको पता है कि वो सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ हम एक्सपीरियंस करके आपको शेयर करते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इन सबको आप फॉलो करिए। जो ये सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है वो आपका ईजी हो जाएगा, साथ ही साथ आप इसमें भी स्मूथ कर लेंगे। सो आपका कोई भी डाउट हो माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल सब्जेक्ट से, सो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।